हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूं। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, वहां पे राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में 3478 पद हैं। इस वीडियो में मैं इस संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। 3478 पदों पर वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट्स राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, इस संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। और जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं इस संबंध में आपको पूरी जानकारी दूंगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ये विस्तृत विज्ञापन है। जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2019। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहितों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार ₹12,400 फिक्स्ड प्रतिमा पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनी की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे विशेष नोट है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जारी दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, समस्त जिला न्यायालयों की वेबसाइट एवं ई मित्र के पोर्टल पर उपलब्ध है। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या है, जिला न्यायालय हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र संलग्न एक, गैर अनुसूचित क्षेत्र संलग्न दो। यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा, इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी, लास्ट तक जरूर देखेगा वीडियो को। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया हेतु आरक्षित पदों के संदर्भ में मैं जानकारी दे रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातियों उप आयोजना क्षेत्रों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किए गए अनुसूचित जनजातियों उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा। तो यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है, उसके अनुसार होगा। अनुसूचित क्षेत्र में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो चेक करके बता रहा हूं इस फॉर्म की। इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, जो पेपर में सिलेबस आएगा। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड के सेकेंडरी और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ये होना चाहिए। राष्ट्रीयता सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का प्रजनन हो, परंतु प्रवर खा और गा से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया है। एज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद की सीधी भर्ती पर
पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं वो भर सकते हैं फॉर्म। उपयुक्त तो लिखित ऊपरी सीमा को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों और अन्य महिला अभ्यर्थियों के मामलों में 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सूचना क्रमांक द्वारा रद्द किया गया था। वह उक्त भर्ती के आवेदनों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी। अतः ऐसे पुराने आवेदक 31 मिनट पूर्ण किसी भी बात के होते हुए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र समझे गए हैं। चरित्र है, सेवा में भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करें। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिए लिखे हुए ना हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उससे संबंधित ना हो। परीक्षा शुल्क है, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक ₹150, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा अथवा परित्यक्ता, दिव्यांगजन 100। नियुक्ति के लिए निर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। कोई पुरुष महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां पति हैं सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। कोई भी विवाहित अभ्यर्थी अभ्यर्थी में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था। स्पष्टीकरण, इस नियम के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 28 में दिया गया है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 को या उसके पश्चात दो या दो से अधिक संतानें हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं समझा जाएगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में जो 1 जून 2002 को है बढ़ोतरी नहीं होती है। परंतु यह और तो यहाँ पे संतानों के बारे में जानकारी है। परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम एवं चयन की रीति, स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन। कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है जो कि क्रमशः 85 और 15 अंक के होंगे। लिखित सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी जिसमें मैट्रिक मानक, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड के वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न निम्न को शामिल करते हुए होंगे: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां। लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक जिसमें प्रत्येक 1 अंक होंगे जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां हेतु क्रमशः 40, 25 एवं 20 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 5 गुना तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। अर्हता अंक है, साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 34 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 38 अंक प्राप्त करने होंगे। चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल 40 अंक और सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल 45 अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जनरल हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल शब्द, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन। जनरल इंग्लिश में टेंसेज, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पासिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग एंड ओमिशन,
अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, वोकैबुलरी। राजस्थान कल्चर एंड डायलैक्ट्स में राजस्थान लोकोक्तियां, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थान बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोकनृत्य। तो 17 लास्ट डेट जो है 17 दिसंबर 2019 तक है। इस वीडियो में मैंने आपको जो राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है 3478 पदों की, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको उसकी जानकारी दी है, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी है और परीक्षा का क्या माध्यम होगा, कैसे परीक्षा होगी, संबंध में जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स राजस्थान ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।